नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। भारत और फ्रांस के बीच युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट 21 चल रहा है। इसी बीच भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत गुरुवार को फ्रांस के लड़ाकू विमान राफेल को उड़ाएंगे। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों की माने तो CDS को युद्धाभ्यास के बारे में जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि कैसे दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास किस तरह से अंतर क्षमता को बढ़ा रहा है। CDS बिपिन रावत ने जोधपुर पहुंचने पर क्या कहा, आप भी सुनिए। इंडियन एयरफोर्स और फ्रांस की एयरफोर्स लगातार 2002 से आपस में एक्सरसाइज करती आ रही हैं, और आज जो हम एक्सरसाइज देख रहे हैं ये है डेजर्ट नाइट 2021। इस एक्सरसाइज का खास महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे पास हाल ही में जो रफाइल एयरक्राफ्ट इंडक्ट हुआ है, हमारे पायलट ने इस रफाइल को साथ में हमारे मिराज एयरक्राफ्ट, हमारे सुकोइस और फ्रांस की तरफ से उनके रफेल एयरक्राफ्ट जो हैं, इनमें जो हमने आपस में जो ट्रेनिंग करी है, इसमें हमने ये दर्शाया है कि किस तरह से हमारे भारतीय एयरफोर्स के जो पायलट हैं कितनी जल्दी इन्होंने इस एयरक्राफ्ट पे अडेप्ट किया है। और हम लोग ने फ्रांस की एयरफोर्स को ये बता दिया कि हमारे पास जो भी एयरक्राफ्ट आया, हम लोग अपने ट्रेनिंग में इतने सक्षम हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे पायलट्स किसी भी एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने में काबिल हो जाते हैं, और यही आज हमारे को देखने को मिला। हमने आज इनका जो एक एयरक्राफ्ट है MRTT, जो कि एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसमें आप पैसेंजर्स को भी ले जा सकते हैं, जिसमें आप रिफ्यूलिंग भी कर सकते हैं, और जिसमें आप एक तरह का मेडिकल हॉस्पिटल भी बना सकते हैं मेडिकल इमरजेंसीज के लिए। तो इसकी काबिलियत भी हमने देखी और हमने देखा कि किस तरह से हमारे जो अपने रफेल थे, फ्रांस के एयरफोर्स के जो रफेल थे, हमारे सुकोइस, हमारे मिराज किस तरह से इस एयरक्राफ्ट से रिफ्यूलिंग कर रहे हैं।